दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर ऑफ कोविड पेशेंट्स अंडर इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी एट पहाड़ी शरीफ इनॉग्रेटेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ गेस्ट AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी, रिपोर्टेड बाय एहतिशाम खान। आज जमात इस्लामी की तरफ से जो हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ, मैं सबसे पहले जमात इस्लामी के अमीर साहब को और तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन और नेक काम का यहाँ पर आगाज़ किया गया। और इस कोविड के दौर में बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों को इस तरह के ऑक्सीजन बेड्स की, और जहाँ पर माशाल्लाह से NIV भी रहेगा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर भी रहेगा, यहाँ पर डॉक्टर्स भी रहेंगे, मगर वेंटिलेटर का इंतज़ाम बाद में होगा, मगर फ़िलवक़्त ये बेहतरीन काम है। और मुझे यकीन है कि पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली के तरफ अकनाफ में जो लोग रहते हैं उनको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एडमिट भी किया जाएगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पर मुहैया होगा, और जो बेसिक जो तिबी इमदाद दी जा सकती है इंशाअल्लाह यहाँ पर इसका इंतज़ाम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, और मुबारकबाद देता हूँ पूरे जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों को। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आमिर उस्मानी हूँ, CEO मुस्लिम मेटर्निटी हॉस्पिटल चादरघाट। ये जो आज इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी की तरफ से जो आइसोलेशन सेंटर कम ऑक्सीजन थेरेपी यूनिट जो स्टार्ट करे यहाँ पे, इसका मेन इंटेंशन जो है, जो स्टार्टिंग जब डिसीज़ या सिम्टम्स जो भी पेशेंट्स को स्टार्ट होते हैं, जैसा कि माइल्ड फीवर है या जो भी सिम्टम्स स्टार्ट होते इनिशियली, तो उस वजह से जब भी लोग में इतनी घबराहट आ गई आजकल की वजह से छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए जाके कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जा रहे लोग, तो वो लोग को जो है मीडिया के ज़रिए से हो या सोशल मीडिया के ज़रिए से हो या जो भी अवेयरनेस हम कर सकते हैं कि उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल अगर जो सैचुरेशन किसी का कम हो रहा, एक छोटा पल्स ऑक्सीमीटर आता, अगर पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के रख लिए घर में साथ में, तो अगर सैचुरेशन जो है अगर उसमें आपकी लेस देन 96 है या 95 अगर सैचुरेशन आ रही, तो आपको इनिशियली जो है ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे कंडीशंस में आप जो है ऐसे सेंटर्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कितने बेड्स हैं यहाँ पर, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे देखिए 50 बेडेड सेंटर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से अराउंड 20 या 25 बेड्स को ऑक्सीजन पोर्ट अवेलेबल है, और जो रिमेनिंग बेड्स जो है वो बेड्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल रहेगा। तो ये इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी जो लकड़कोट पे दफ्तर है, जिसके अंडर मुस्लिम मेटर्निटी हॉस्पिटल है, और 2-3 हॉस्पिटल्स भी आगे आ रहे विद इन 1 ईयर, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है। तो ये सारे जो है इसका मेन इंटेंशन यही था कि लोगों को अब फिलहाल जो है आउट ऑफ 100 अराउंड 60-70% लोग जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए सिटी में यहाँ से वहाँ भाग रहे, और कितने की लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग में मजबूरन जो है उन पैसे दे के वो लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ रहा। तो उस वजह से ये इनिशियल जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है उनको कैटर कर सकता है यहाँ पर। सर यहाँ पर टाइमिंग है सर हमेशा के लिए खुला, ये 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आपका जैसा केस मैनेज नहीं हो रहा, अगर किसी को जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, सिचुएशन बैड हो रहा, तो हमारे पास जो है NIV मोड तक फैसिलिटी अवेलेबल है, बाईपैप मोड तक आपको अवेलेबल है, उसके बाद जो है अगर कोई है तो यहाँ से रेफ़र करते। तो आप हमारा प्रेफरेंस यही रहेगा कि यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भेजें, अगर आप कोई प्राइवेट जाना चाह रहे तो वो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं।